पाकिस्तान में भी यही होता है कि इंडिया से बस जीत जाए। थक चुके थे हम, क्या कर रहे हैं इस वक्त इंडिया पाकिस्तान का मैच का टिकट खरीदने बैठे हुए हैं भाई। 5 मिनट रह गए, 5 मिनट जिंदगी बदल सकते हैं हमारी। ये देखिए भाई, हमने कर दिया, लोडिंग हो रही है। 7.5 लाख लोगों ने पता नहीं कितने 1%, 2%, 5% को टिकट मिली हो। हमारे पास रिजवान है, बाबर है, और रिजवान से तो वैसे इंडियंस डरे पड़े हैं। लॉजिकली भी इंडिया अंडर प्रेशर होगा, अब तो होगा। शिफ्ट में आने वाली भारतीय टीम इस वक्त काफी हमें डामा डोल नजर आ रही है। पाकिस्तान के पास चुनावी हरीफ को हराने का बड़ा चांस है। इतना रश, इतना हाई वोल्टेज इस मैच के लिए इतना रश लगा हुआ है। अब तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मौका मौका वाली जो एड है वो भी बंद कर देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत अच्छा उनका मौका। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 28 अगस्त को इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है और ये मैच दुबई में होगा। इस मैच को लेकर पाकिस्तानी बहुत एक्साइटेड है और उन्हें उम्मीद है कि दोबारा से पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। इंडिया पाकिस्तान के इस मैच की बुकिंग भी शुरू हो गई है और इस पे भी इंडिया ने कब्जा कर लिया है। लगभग 85% टिकट इंडिया के कब्जे में आ गए हैं। पाकिस्तानी इस पर भी रो रहे हैं। अब पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि 1-2 टिकट हमारे लिए भी छोड़ दो। कुछ पाकिस्तानी मौका मौका वाले ऐड को लेकर भी इंडिया पे कमेंट कर रहे हैं कि इंडिया ने अब मौका मौका वाला ऐड भी चलाना बंद कर दिया है और ये पाकिस्तानी समय से पहले ही खुशियां मनाने लग गए हैं, जो उनकी शुरू से ही आदत है। तो चलिए आप आगे इस वीडियो में ही देख लीजिए कि किस तरह के पाकिस्तानी इंडिया को हराने के सपने देख रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान से जीत जाए, पाकिस्तान में भी यही होता है कि इंडिया से बस जीत जाए। आप ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला जो है वो हमेशा ऑब्वियसली रैंकिंग वगैरह से हटकर ही होता है, बस इसमें जज्बा ही कुछ और होता है, इमोशन कुछ और होता है, जीतना बहुत लाजमी होता है। तो पाकिस्तान को इंडिया को हराना है तो आप क्या मशवरा देंगे? भारत जैसी टीम को अगर आपने हराना है, वही इसी तरह की जबरदस्त बॉलिंग और जो नए लड़कों का जज्बा है। देखें, जो नए लड़के होते हैं उनमें जज्बा होता है जीतने का। जो पुराने और घिसे पिटे खिलाड़ी थे पहले हमारे पास, वो खेल खेल के थक चुके थे, उनमें वो ही नहीं था खेलने का, उनको सिर्फ पैसे कमाने थे और अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए टीम में रहना था। अभी भी कुछ लोग सिर्फ अपने पैसे कमाने और एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में जो है, या कोई लीग्स खेलने के चक्कर में टीम में घुसने की कोशिश करते हैं पुराने। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो पुराने खिलाड़ी हैं जिनमें वो जज्बा खत्म होता है, उनको हटाते जाएं। तो ये नए लड़कों पर मुझे भरोसा है, ये बड़े जज्बाती लड़के हैं, ये कुछ करना चाहते हैं, ये बिल्कुल नए हैं, फ्रेश हैं। तो मुझे उम्मीद है। आपको फेवरेट टीम कौन सी नजर आती है? देखिए, मैं तो अपनी टीम को ही फेवरेट कहूँगा। पाकिस्तान की टीम जिस तरह खेलते हुए आ रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, वो फेवरेट है। मगर क्रिकेट है ये, इसमें बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो या भारत की टीम है, हर टीम मैच जीतने के लिए आती है और जो कंडीशंस हैं वो सबको सूट कर रहे हैं। ये हम ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में नहीं खेल रहे, हम UAE में खेल रहे हैं, जहाँ के जो स्टैंडर्ड्स या जो कंडीशंस हैं, प्लेइंग कंडीशंस, वहाँ पे ह्यूमिड होगा, गर्मी होगा। फिटनेस इज द मोस्ट की इंपॉर्टेंट की होगी हर टीम के लिए। जिसकी फिटनेस लड़कों की तगड़ी होगी वो इस गर्मी में, इस ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो सारी टीमें तैयारी के साथ आई हैं और हर टीम चाहेगी कि वो जीतें। तो पहला वार जो करेगा पाकिस्तान, अगर इंशाल्लाह भारत को हराता है तो पाकिस्तान के लिए होगा, वो थ्रू कर जाएगा इंशाल्लाह। 7.5 लाख लोग, सुबह तो मैंने सिर्फ 6.5 की काउंट लगाई थी, 7.5 लाख लोग PlatiniumList.net के ऊपर इंतजार करते रहे इनकी टिकट्स के लिए। फाइनली टिकट्स रिलीज कर दी गई हैं सवेरा, और अब मुकाबला लोग जिन जिन अपने हाथ लगाएंगे टिकट्स के ऊपर वो टिकट्स ग्राब कर ले जल्दी से। लेकिन 7.5 लाख लोग पहले से इंतजार कर रहे थे, टिकट तो मुझे नहीं लगता किसी को मिलने वाली है। जे वही जो बेचारे कल से लाइन में लगे हुए, कल रात 2:30 बजे पाकिस्तान टाइम, 3 बजे इंडियन टाइम से, लोग क्यू में इंतजार कर रहे हैं। लोग कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की, यार ओ भाई की नहीं। मतलब बज नहीं है कोई हैसियत। मैं इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में मौजूद थी, यू हैव नो आइडिया ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने कभी UAE में, मैंने कभी दुबई में इस तरह से ऑनेस्टली बदतमीजी से गाड़ियां पार्क हुए नहीं देखी, बिकॉज इवेंचुअली इतनी गाड़ियां पार्क हुई हुई थी। 7.5 लाख लोगों में तो पता नहीं कितने से 1%, 2%, 5% को टिकट मिली हो। 7.5 लाख लोग कैसे इंतजार कर सकते हैं सवेरा भाई, बड़ा मुश्किल है बहुत। सो मैं लिटरली, मैं और मेरे कलीग्स जो है वो लिटरली यूं हाथ रख के, और वी जस्ट barged into it के नहीं जी, मीडिया 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 करते करते करते, so it was crazy and it will be again। ये मीडिया वाले, आपने देखा ये जो फैंस है ना आप लोगों को, जो नुकसान आप लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, ये इलीट प्रिविलेज लेके हासिल हो जाते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, टिकट्स टिकट्स तरीके से टिकट अंदर कराओ, बस टिकट ही टिकट। इस वक्त पूरा इंडिया और पाकिस्तान के जो भी दुबई जा रहे हैं और दुबई के जो लोकल है जो वहां पर है, 7.5 लाख, 8.8 लाख, 10 लाख, 12 लाख की क्यू लगे हुए लाइन में लगे हुए, किसी तरीके से हमारा नंबर आ जाए, किसी तरीके से हम टिकट ले, बस टिकट हमें मिल जाए। और इस वक्त दाऊद साहब, मैं भी टिकट लेने के बहुत ज्यादा करीब हूँ, कुछ हम परचेज कर चुके हैं, कुछ आपके साथ तब तक जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे हमने काफी सारे 6 मिनट रह गए, मेरे 6 मिनट रह गए, एक बार आ चुके हैं, एक बार हम बाय कर चुके हैं, बड़े बड़े कुछ मैचेस के ले चुके हैं। 28 तारीख हमें अभी तक टिकट नहीं मिले। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। नो डाउट शुएब मलिक नहीं है, हसन अली भी चले ठीक है वो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास प्लेयर
प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान बहुत अच्छा कम बैक, मतलब आप कह ले हमारे पास रिजवान है, बाबर है, और रिजवान से तो वैसे इंडियंस डरे पड़े हैं। साइकोलॉजिकली भी इंडिया अंडर प्रेशर होगा कि होगा, अब तो होगा, अब तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मौका वाली जो एड है वो भी बंद कर देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत अच्छा उनका मुकाबला रहा था, तो इस मौका इस बार नहीं आ रहा, तो आप इसी से हिसाब लगा ले। जो एक उनका बिल्कुल हाइप क्रिएटेड एड था मौका, हर जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता था, तो अब वो खुद ही उस चीज को हटा रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं।